सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ब्रेकअप के बाद भी क्यों हैं दोस्त? इस बात का कारण भी करण जौहर के चैट शो में सामने आ गया है। ये भी पता चल गया है कि कार्तिक आर्यन को डेट कर चुकी सारा अली खान और अनन्या पांडे के बीच रही क्या इक्वेशन। और तो और सारा ने ये भी बता दिया है कि कैसी वाइफ बनेगी अनन्या पांडे और जानवी कपूर। सारा और अनन्या के फैंस के मन में उठे इन सभी सवालों का जवाब दोनों एक्ट्रेसेस ने दिया है करण जौहर के चैट शो में। करण जौहर के चैट शो में मेहमान बनी सारा अली खान और अनन्या पांडे के सामने जब उनके एक्स बॉयफ्रेंड कार्तिक आर्यन का जिक्र आया और करण जौहर ने पूछा कि इस मामले में सारा थी कितनी कंफर्टेबल, तो हुआ एक बड़ा रेवलेशन। सारा ने करण जौहर के इस सवाल पर कहा, इट इजंट ऑलवेज इजी व्हेन यू आर इन्वॉल्व विद एनीबॉडी, वेदर दे आर योर फ्रेंड्स, वेदर इट्स प्रोफेशनली और रोमांटिकली, स्पेशली इफ आई गेट इन्वॉल्व, I get invested. So it's not like, oh yeah, it doesn't really matter. These things do affect you. Sara ne aage kaha, even if she's affected by a relationship, she looks upon not holding any grudges and moving on. Sara ne kaha, ultimately you have to rise beyond that. And something I realized, there are actually no permanent predicament in this business. There is no point in making permanent friendships, pinky promises. I won't talk to the person. All these nevers don't really work. इतना ही नहीं, सारा ने इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स को लेकर बात करते हुए आगे ये भी कहा कि किसी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। वहीं अनन्या ने बताया लड़कों के मामले में उन्हें सारा से मिल चुकी है कई बार धमकी। अनन्या ने कहा, सारा हैज थ्रेटन्ड मी सेइंग आई विल बीट यू अप इफ यू लुक एट दिस पर्सन ऑन वेरियस ओकेजंस। लेकिन सारा और अनन्या के रेवलेशंस यही नहीं रुके। रैपिड फायर राउंड में सारा ने रिवील किया कि जानवी ऐसी वाइफ बनेगी जो अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए व्रत रखेगी, वो भी तिरुपति टेंपल का, जिसके बाद वो फ्रीक्वेंटली तिरुपति टेंपल विजिट कर सके। और अनन्या ऐसी वाइफ बनेगी जो होस्ट करेगी बैचलरेट ट्रिप एंड खुद हबी के साथ पूरे वक्त वीडियो कॉल पर रहेगी। सारा के इन सारे रेवलेशंस ने ऑडियंस और फैंस को दे दिया है एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज। और फैंस सारा की तारीफ करते नहीं थक रहे।